चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्यूरोटॉक्सिन के बारे में। हाल ही में लुधियाना गैस रिसाव से 11 लोगों की मौत हो गई है। न्यूरोटॉक्सिन क्या है और ये इंसानों को कैसे प्रभावित करते हैं, इसी के बारे में हम बात करेंगे। 30 अप्रैल को पंजाब के लुधियाना के ग्यासपुर इलाके में गैस रिसाव के कारण 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब तक रिसाव के कोई निश्चित कारणों का पता नहीं चल पाया है और इस घटना की मजिस्ट्रियल जांच शुरू कर दी गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम द्वारा इस्तेमाल किए गए वायु गुणवत्ता सेंसर के अनुसार उच्च स्तर के हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एक प्रकार का न्यूरोटॉक्सिन का पता लगाया गया है। यह पता लगाया जा रहा है कि यह गैस कैसे पैदा हुई होगी या कैसे विकसित हुई होगी। यह संभावना है कि न्यूरोटॉक्सिन से ये मौतें हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि लुधियाना में क्या हुआ। लुधियाना के ग्यासपुर क्षेत्र में कई कारखाने हैं और यह घनी आबादी वाला क्षेत्र है। पुलिस ने एक प्राथमिकी में कहा है कि रिसाव के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन संदेह है कि इलाके में आंशिक रूप से खुले मैन होल से जहरीली गैस निकली और आसपास की दुकानों और घरों में फैल गई। शव परीक्षण रिपोर्ट ने सुझाव दिया है कि मौतें इनहेलेशन पॉइजनिंग के कारण हुई है। मौत का कारण सांस की विषाक्तता के रूप में सामने आया है, लेकिन जहर का प्रकार मिश्रा जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड इतना जहरीला होता है कि इसके अंदर ली गई एक सांस भी किसी व्यक्ति की जान ले सकती है। संभवतः कुछ अम्लीय कचरे को सीवर में फेंक दिया गया होगा, जो हाइड्रोजन सल्फाइड का उत्पादन करने के लिए मिथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य सीवरेज गैसों के साथ मिल गया होगा और इससे प्रतिक्रिया हुई होगी। मरने वालों में 10 लोगों का पोस्टमार्टम अस्पताल में किया गया है। कई संभावनाएं हैं जो हाइड्रोजन सल्फाइड की उच्च सांद्रता का कारण बन सकती है। यह इंगित करता है कि सीवरेज प्रणाली को ठीक से साफ नहीं किया गया, जिसके कारण गैस बनना जारी रहा। सीवरेज सिस्टम के भीतर गैसों को बाहर निकालने के लिए कोई वेंट नहीं थे। अब हम बात करेंगे न्यूरोटॉक्सिन क्या है। न्यूरोटॉक्सिन जहरीले पदार्थ होते हैं जो सीधे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। न्यूरोटॉक्सिसिटी तब होती है जब प्राकृतिक या मानव निर्मित विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने से तंत्रिका तंत्र की सामान्य गतिविधि बदल जाती है। ये पदार्थ अंततः न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिकाओं को बाधित करते हैं या मार सकते हैं, जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के अन्य भागों में संकेतों को प्रसारित करते हैं और संसाधित करने के लिए महत्वपूर्ण है। वे सीधे शरीर के श्वसन पथ पर हमला करते हैं, जिससे शरीर की ऑक्सीजन एकाग्रता और फिर तंत्रिका तंत्र पर भी असर पड़ता है। मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आम न्यूरोटॉक्सिक गैसें होती हैं। मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड गंधहीन गैसें हैं, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड में तीखी गंध होती है और उच्च सांद्रता में यह मनुष्य के लिए घातक हो सकती है। वर्तमान मामले में भी ये संकेत आया है कि यह संभावना है कि मानव अपशिष्ट के टूटने के कारण उत्पन्न होने वाली मीथेन गैस के साथ एक रसायन की प्रतिक्रिया हो सकती है। इसका आंकलन करने के लिए आसपास के मैन होल से सीवेज के सैंपल लिए गए हैं। अपशिष्ट जल से हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसों को हटाने के लिए रासायनिक ऑक्सीकरण किया जाता है, जहाँ हाइड्रोजन परोक्साइड जैसे ऑक्सीडेंट अपशिष्ट जल में मिलाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के बारे में, यानी कि एनडीआरएफ के बारे में। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत खतरनाक आपदा स्थिति या आपदा के लिए विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य के लिए गठित एक भारतीय विशेष बल है। आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। एनडीएमए के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में आपदाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार में नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय होता है। जब गंभीर प्रकृति की आपदाएं आती हैं, तो केंद्र सरकार राज्य के अनुरोध पर सशस्त्र बलों, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ की तैनाती सहित संभावित राज्य को सहायता और सहयोग प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होती है। संचार, वायु और अन्य संपत्तियां जो उपलब्ध और आवश्यक हैं, ये सभी प्रोवाइड कराई जाती हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधीन है।
एनडीआरएफ के प्रमुख को महानिदेशक के रूप में नामित किया जाता है। इसके साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।